नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल बुक सॉल्यूशन में स्वागत है। मेरा नाम ललित कुमार, मैं आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड करता हूं जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो इंडिया रैंकिंग इन वेरियस इंडेक्स जो लेटेस्ट अपडेट है 2020-21 का। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू किया जाए। फ्रीडम इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक कहाँ पर है? इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2121 रैंक में है। इसका फर्स्ट रैंक कहाँ पर? सिंगापुर में। उसी प्रकार ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 का ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स कितना था इंडिया का? 120 रैंक था, और 120वां रैंक था, और फर्स्ट रैंक सिंगापुर का था। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में नीति आयोग द्वारा दिया जाता है, और ये कर्नाटका में इसका फर्स्ट रैंक है। फर्स्ट रैंक कहाँ पर है? कर्नाटका में। उसी प्रकार एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउस और अर्बन अफेयर दिया था। कौन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउस और अर्बन अफेयर? अभी है हरदीप सिंह पुरी। वो उसका फर्स्ट रैंक कहाँ पर है? फर्स्ट रैंक है इसमें बेंगलुरु आता है। इसी प्रकार करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 का इंडिया में कितना रैंक था? 46 आता था इंडिया में, कितना आता था? 86। और जो फर्स्ट रैंक है डेनमार्क और न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 का 142वां रैंक आता है, वो है इंडिया में, और 2021 में भी 142 में है। और उसका दोनों में जो फर्स्ट रैंक में आएगा वो नॉर्वे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखिएगा। भले ही आपको अच्छा नहीं लगता हो लेकिन ये आपको याद करना, एग्ज़ाम क्रैक करना है एसएससी को तो ये याद करना पड़ेगा। ये याद को आप हमेशा याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 का 85 रैंक है, और जो फर्स्ट जो रैंक है वो जापान को फर्स्ट रैंक मिला। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का 139 रैंक है, 2021 में 135 रैंक है, और उसी में फर्स्ट रैंक है आइसलैंड को फर्स्ट रैंक है। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 का इंडिया का 40 रैंक था, और 2021 में भी 40 है, और इसका फर्स्ट रैंक का अमेरिका को मिला। वर्ल्ड कम्पिटिवनेस इंडेक्स 2020 का इसको इंडिया का 43, और 2021 में भी 43 रैंक मिला है। फर्स्ट जो रैंक है वो सिंगापुर, और 2021 में स्विट्जरलैंड। उसी तरह ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 को इंडिया को 72 रैंक मिला है, फर्स्ट में स्विट्जरलैंड है। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2021 का 139 रैंक है, और फर्स्ट में फिनलैंड है। उस प्रकार यूएन हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में 144 रैंक है, लेकिन फर्स्ट में ये भी फिनलैंड। और इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ इंडेक्स 2020 168 रैंक है, और फर्स्ट रैंक डेनमार्क का है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 सातवां रैंक पे इंडिया है, और फर्स्ट रैंक पे है मोजाम्बिक, ठीक है। उससे जी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 फर्स्ट इंडिया का रैंक है 10, लेकिन फर्स्ट में इसमें फुलफिल नहीं किया गया है, थोड़ा अपडेट होने में इसको समय लगेगा। और एज ऑफ डूइंग बिजनेस ये तो अधिकतर पूछा जाता है, 63 रैंक है याद रखिएगा इंडिया का, और जो फर्स्ट रैंक आता है न्यूजीलैंड। इसी तरह डब्ल्यू एफ का जो 2020 का 112 रैंक है, और 2021 में 140वां रैंक है इंडिया का, और दोनों में जो फर्स्ट रैंक आता है वर्ल्ड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में आइसलैंड ही फर्स्ट होता है। तो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 का ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 53 रैंक आता है इंडिया में, और जो फर्स्ट है ये नॉर्वे होता है फर्स्ट। देखिए उसी तरह ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स भी वही से है, फर्स्ट में हांगकांग। और ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 का जो 21वां रैंक आता है, और इसका जो फर्स्ट रैंक सिंगापुर
होता है। हमेशा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाला चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर किसी में यहाँ पर 2021 लिखा रहता है और किसी किसी में 2020 लिखा रहता है। तो थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा कि 2021 वाला ये रैंक दिया हुआ है या 2020 वाला रैंक दिया हुआ, ये दोनों को मिला के नहीं याद कीजिएगा आप। इससे थोड़ा PDF पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 का है, ये देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, 2020 का है, 48 रैंक इंडिया का आता है। और स्विट्जरलैंड वो फर्स्ट में आता है, इसमें आता है फर्स्ट में, उसी प्रकार ये फर्स्ट आता है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 131 इंडिया का जो 131वां रैंक में आता है। और जो नॉर्वे का फर्स्ट रैंक में कौन आता है, नॉर्वे। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में 111वां रैंक इंडिया आता है। और फर्स्ट में फर्स्ट रैंक किसका है, न्यूजीलैंड का है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो तो मेरे समाप्त हो चुकी है। और इसका अगर यदि आप PDF करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हूँ मैं। अब इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, और हो सके तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, मैं तो रिकमेंड करूँगा। मैं आपको डेली एक वीडियो लाता हूँ कंसेप्टुअल, जो कि आपके लिए कंपटीशन एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।